ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਰ ਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਬਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇਂ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਗੈਰਾ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਆਪਕੋ ਬੁਲਾਏਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੇਂਗੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੇ ਕਾ ਯਾ ਫਿਰ ਨਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਸ਼ੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और इस टाइम मैं गोल्फ माल में मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत ही मशहूर फेमस टिकटॉकर काशिफ साहब मौजूद हैं, जैसा कि आप इनकी पर्सनैलिटी से वाकफ़ हैं, सारी दुनिया को जानते हैं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं। आज इन्होंने हमें बड़ी मुश्किल टाइम दिया, इनकी मोहब्बत, मेहरबानी, प्यार इनका हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम खुश नसीबी समझेंगे क्योंकि हम तो टिकटॉक इतना यूज़ नहीं करते लेकिन दुनिया इनको मानती है। तो हम इनसे चंद टिकटॉक के हवाले से भी बात करेंगे और एक बड़ा अहम सवाल भी हम इनसे पूछेंगे जो आपके साथ खुफिया शेयर करेंगे। अभी हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? तबीयत सेहत घर में सब ठीक ठाक? जी सब शुक्र है भाई जान। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से ये जो तकरीब नकद की गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीब है, देखें एक नए साल का माशाल्लाह आगाज़ होने जा रहा है, तो इसमें देखें कि ये बड़ा एक अच्छा मौका होता है कि सारे इस खुशियों में शामिल हों। तो मेरे ख्याल में ऐसे ओकेजन होने चाहिए कि ताकि सबको एक मौका मिल सके कि एक जगह इकट्ठे हों एक प्लेटफॉर्म के, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे ये बताएं कि जो नौजवान नई नस्ल टिकटॉक पर आना चाहती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी उनको सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें टिकटॉक पे आए, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप में जो किसी चीज़ का टैलेंट है वो आपको दिखाने के लिए बहुत अच्छा ये सोर्स है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट सामने लेके आए ताकि लोग जिससे कुछ सीख सकें, लोगों को कोई समझ आ सके, लेकिन ऐसी चीज़ कोई भी ना दिखाएँ कि जिससे कि लोगों को गलत जो है वो चीज़ हो जाए, लेकिन अच्छा आ जाए, इम्पैक्ट उन पर दें। तो जो लाहौर में हाई कोर्ट में पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान में टिकटॉक पे, उसको किस नज़र से देखते हैं? फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए या नहीं? जी देखें, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो लोगों ने कुछ गलत कंटेंट सामने लेके, जिसकी वजह से दो दफ़ा पाकिस्तान में टिकटॉक बंद हुआ है, लेकिन अब पीटीए ने इस बारे में खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, लेकिन अब बहुत बेहतर है इस मामले में। अच्छा, आपने वीवर से एक जो है वो वादा किया हुआ था, प्रॉमिस, कि सुलेमान खान साहब को पाकिस्तान में लेके आएंगे, अब क्या कहना चाहेंगे? आज न्यू ईयर क्योंकि पुरवकार तकरीब भी है, नया साल भी आ रहा है, तो कब तक वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जैसा कि वादा किया, तो इंशाल्लाह पहले भी वादा किया था कि आएंगे नल्तान, जब सब कह रहे थे कि वो नहीं पाकिस्तान आ सकता, मैंने वादा किया था कि अपनी वाम से कि अल्लाह के फजल से उसको लेके आऊँगा, तो लेकिन अभी सलमान भाई इंशाल्लाह नए साल पर नया तोहफा सलमान भाई का देंगे। कब तक भाई? देखिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डेट हम नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह ये बस सोचेंगे जल्दी आ जाएंगे। पक्का प्रॉमिस है आप आवाम के सामने? इंशाल्लाह पूरा पक्का प्रॉमिस है। तो नए साल के हवाले से कोई नौजवान नस्ल को आप पैगाम देना चाहें? जी सिर्फ नौजवान नस्ल को ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें अपनी माँ बाप की खिदमत करें, एक अच्छा अच्छा काम करें, लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि किसी से जेलस मत हो, अपने आप में ज़िंदगी में जो भी काम करें एक अपनी अच्छी नीयत से करें, किसी को हराने के लिए ना करें, अपनी कामयाबी के लिए करें, तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। मतलब जीतने के लिए काम करें, मस्बत रहते हुए काशिफ साहब का पैगाम है, और कुछ कहना चाहेंगे स्पेशल? बस यही कि बस बाकी सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो भी मेरी ये दिल से दुआ कि जो भी कोई अपनी ज़िंदगी में काम करे अल्लाह उसको कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? कायनात चौधरी। अच्छा कायनात चौधरी, आप पढ़ी हुई हैं? जी पढ़ी हुई। कितनी क्वालिफिकेशन है? मैंने बीए किया हुआ। अच्छा माशाल्लाह, बीए करके तो मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ? मॉडलिंग का एक्चुअली जो मेरी सिस्टर है कोनैन, इसने स्टार्ट की थी, उसको देखते देखते मैंने भी स्टार्ट कर दी। अच्छा तो क्या आपको यहाँ से मिल रहा है, इनकम क्या हो रही है, कितने पैसे अर्निंग हो जाती है, कैसा शोभा है? मॉडलिंग को ज़्यादातर वो कहते हैं कि बदनाम शोभा भी कहा जाता है, क्या आपको फेस करना पड़ता है, कितनी देर होगी आपको? मुझे यहाँ पे जो है तकरीबन 1 ईयर हो गया है। आप सही कह रहे हैं, मतलब ये फील्ड गंदी है, लेकिन जो इंसान खुद अच्छा होता है उसको फिर आप जैसे इसको लेके चलेंगे ना आगे वैसे ही है, अगर आप खुद गंदे हैं तो फिर गंदी है। तो कितने पैसे अर्निंग हो जाती है? अर्निंग यहाँ पे जो है आपको पर डेस्क के हिसाब से होती है, आप मॉडल के पे डिपेंड करता है, कोई 5000 भी लेता है, 25000 भी लेता है। नहीं, एक हम मैक्सिमम कलेक्शन कर लें तो महीने की कितनी आमदनी बन जाती है? मेरे तकरीबन 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। तो मुझे कायनात बताएं कि मॉडलिंग में जब इंसान आता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी दरपेश आती हैं, मुझे ये बताएं कि जो मॉडल्स को रखने वाले हैं ओनर्स वगैरह जो हैं, एडिटर जो हैं, चीफ एडिटर सारे, वो क्या आपको यूज़ करते हैं,
कभी मुश्किलात उठानी पड़ी, क्या दिक्कत होती हैं, क्या पेश करना पड़ता है, क्या नहीं, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? बिल्कुल, इसमें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। जो आपके इसमें स्टिल में तो इतना नहीं है, अगर आप उसमें जाएं ना टीवी ड्रामास वगैरह में, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर वगैरह वो ज़्यादा इस चीज़ पे वो करते हैं, आपको बुलाएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो कह देंगे आपके साथ दोस्ती करने का या फिर नाइट वगैरह स्पेंड करने का। मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट की ना, तो इस्लामाबाद में एक बंदा है, उसने मुझे बुलाया वहाँ पे शूट्स के लिए ना, तो मैं अपने भाई के साथ चली गई वहाँ पे जाके, तो वो मुझे कहता है कि आप भाई को भेज दो, आप ना मेरे साथ यहाँ पे रात रहो, हम ना आपकी वैक्स वगैरह करेंगे। मैंने कहा भाई अब शूट्स करने हैं तो इसमें वैक्स की क्या ज़रूरत है, तो मैंने ना कहा कि चलें ठीक है मैं सुबह आऊँगी। वहाँ पर मेरे कोई रिलेटिव थे, मैं वहाँ पर चली गई, तो मुझे ना गंदी गंदी पिक्स सेंड करने लग गए और कहता कि अपनी न्यूड पिक्चर सेंड करो। अच्छा, अब उसका ये था कि अब आ गई है ये, जाएगी तो नहीं कहीं पर, फिर भी मैं आ गई थी वापस। तो कैसे लगा, बच के निकल गई? हाँ बिल्कुल। नहीं, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, बी केयरफुल रहना चाहिए, जहरी सी बात है सबसे पहले इंसान की इज्जत होती। मतलब आप इस शोबिज की जो फील्ड है, मॉडलिंग की फील्ड है, इसको कैसे देख रही हैं? वही मैंने आपको बात की है ना, अगर इंसान खुद अच्छा है तो ठीक है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो मॉडल ही गंदी हैं जिन्होंने सारी फील्ड को गंदा किया हुआ। मतलब जो करेक्टरलेस लोग हैं उनकी वजह से फील्ड बदनाम है, ये कहना चाह रही हूँ। वो खुद कहती हैं जी हमारे साथ आप नाइट स्पेंड कर लें, बस हमें काम दे दें जैसा बस भी हो। अच्छा, कहना तो आप मुझे माइंड ना करें, तो हम एक पर्सनल सवाल की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी है व्यूवर्स को पता होना चाहिए। माशाल्लाह नौजवान है, खूबसूरत है, शादी का क्या प्रोग्राम है? शादी मैंने नहीं करनी अभी। अच्छा, तो कभी किसी से प्यार हुआ, कोई लड़का अच्छा लगा हो, सच बताना? हाँ बिल्कुल लगा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरी जो है उससे मंगनी वगैरह भी हुई, लेकिन अभी जो है 1 month हुए हैं कि टूट गई है मंगनी मेरी। क्यों, क्या हुआ ऐसा? बस ऐसा ही। नहीं, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? नहीं, कोई फैमिली इश्यूज थे बस उसकी वजह। रिलेटिव थे आपके? नहीं, मैं एक मैकडोनल्ड्स है वहाँ पे जॉब करती थी, वहाँ पे था वो। आप जॉब करती थी पहले, तो वो वहाँ थे? वहीं पे था। तो अब टूट गई है, फिर अब आपको कोई पसंद आया मजीद? नहीं अभी तो, हूँ फिलहाल वेले ही हो? वेले ही। जी नाज़रीन, माशाल्लाह आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, जुमातुल मुबारक भी है, और मेरे साथ एक चांद बैठा है दाएं तरफ, टिकटॉकर मशहूर काशिफ साहब और अख्तर पावा साहब, इनको कौन नहीं जानता पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में। और चांद है, हैं मेरा छोटा बेटा, ते मैं सूरज, सूरज ते गर्म हो बड़े तुसी ते लावा हुंदा ही कर रहे मैं, लावा गर्म हुंदा है। ए देख लो नाज़रीन, सूरज एक मेरी गल सुन, थानू एक होर गल दसा, ओ भी राही ने मैं भी राही हां। ओ माशाल्लाह। अच्छा गल सुनो, अच्छा तेरे की सुननी साडी सुन, और तू साडी सुन लो, पाजी तेरी नहीं सुननी, जे इंटरव्यू लेने ते साडी सुननी पे। अच्छा सुनाओ जी, सुनाओ। दुनिया च कोई सिकंदर नहीं, वक्त सिकंदर हुंदा ही। अच्छा, जद ते सप्पा नु भी प्यारी हुंदी, आई लव यू, आई लव यू राही, सानू कहंदा ओ दोवें राही लल गए जे भाई, ओ राजा नु ना खाई, ओ दोनों राही, ओ मेनू बचाई। लो जी, बड़ा ही मजेदार जबरदस्त टाइम। अख्तर साहब भी बड़े प्यारे यार, मोहब्बत करन वाले दोस्त हन। अगर तुसी मशहूर होना है तो अख्तर साहब को फौरन पहुंचो, ते है ते पर्सनैलिटी तुसी जानदे ही हो, पुराने वाकफ हो काशिफ साहब दे कोलों। नाज़रीन मजा आया, कैसा लगा तुहानू, बहुत शुक्रिया असि इन्हों का तह दिल नाल अदा करते हैं कि इन्होंने सानू टाइम दिता। आई लव यू जी, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम पूरा? कुनैन चौधरी। अच्छा, तो आपकी जो टिकटॉक आईडी है उसके हवाले से भी बताएं, उसका क्या आईडी है? क्या आइडिया, मैं तो टिकटॉक इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अच्छा, तो आप टिकटॉक शो में तो आई हुई हैं माशाल्लाह, ड्रेसिंग वेल ड्रेस हो के, तो कैसा लगा है प्रोग्राम आज का? प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो टिकटॉक आईडी बनाई नहीं हुई? बनाई हुई है। अच्छा, तो कितने आपके हो चुके हैं फॉलोअर्स? फॉलोअर्स जो है मेरे 39,000 हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो ठीक है, अच्छे खासे ही हैं। नया बंदा तो इतने पहुंचने में बड़ा टाइम लगा देता है, तो कितनी देर में ये आपने सक्सेस जो है वो की है अचीव? मैं इतनी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, तो मुझे हो गया 1 साल हो गया अभी बनाए हुए, और जो अपलोड मैं करना स्टार्ट किया वो 2-3 माह हुआ अभी। अच्छा, तो वैसे आपके हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या काम करती हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं मॉडलिंग करती हूँ, शूट्स वगैरह करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस घर पर ही। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बी है। अच्छा, बीए किया हुआ है। तो किसने शौक डाला था कि जी आप टिकटॉक बनाएं, आगे आएँ, मॉडलिंग तो माशाल्लाह आप करती हैं, टिकटॉक का शौक कैसे पड़ा, या लोगों को देख के मैंने भी मशहूर होना है? हाँ, मुझे वैसे ही ज़्यादातर जो टिकटॉक है वो सैड पसंद है, और मुझे मैं देखती थी टिकटॉक्स, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नौजवान नस्ल न्यू ईयर्स के हवाले से
2023 नया साल चल रहा है, उसके मुताबिक जो न्यू जनरेशन टिकटॉक पर आना चाहती है, आप कैसे देख रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए, बस फनी फनी वीडियोस बनाएं, हो जाएंगे वायरल। को नहीं, अच्छा नहीं, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में टिकटॉक देखा जाता है, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो कि लोग लाइक करते हैं? मुझे तो सैड पसंद है, बाकी का मुझे नहीं पता। एडे दुखी हो तुम, सैड पसंद है, किन्ने दिल तोड़ा देता है इसी उम्र से? नहीं, किसी ने भी नहीं तोड़ा, बस वैसे ही। और हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहे लास्ट में, कुछ चीज सुना दें हमें, अच्छी सी प्यारी सी अपनी तरह। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन सब खुश रहें और नए साल की नई खुशियां, सबको मुबारक हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।